ईमेल और जीमेल में क्या डिफरेंस होता है? अक्सर इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या इंटरव्यूअर आपसे ये भी पूछ लेता है कि आपके पास ईमेल है या जीमेल है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि जीमेल और ईमेल में क्या डिफरेंस होता है, और जो आप यूज करते हो वो ईमेल यूज करते हो या जीमेल यूज करते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली टाइम से मिलते रहे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ईमेल के बारे में। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स मेल। पहले हम क्या करते थे, कोई भी पत्र था उसको लिखते थे और पोस्ट में दे आते थे, और पोस्टमैन उस पत्र को वहाँ पे सेंड कर देता था या पहुँचा देता था जहाँ पे हमने वहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है उस पत्र के अंदर। तो यहाँ पे इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये हो गया है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब ये होता है हम ऑनलाइन इंटरनेट का यूज करते हुए अपनी मेल को सेंड कर सकते हैं कुछ ही सेकेंड के अंदर। तो यहाँ पे इस टाइम को कम करने के लिए हमने यहाँ पे ईमेल का यूज किया। तो ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स मेल। और जो जीमेल होती है, ये एक गूगल कंपनी का प्रोडक्ट है जो कि आपको ईमेल सेंड करने के लिए दी गई है, यानी कि ये एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी समझ सकते हो आप इसको, जीमेल को। आपके जो ईमेल में जो पूरा का पूरा जो एड्रेस होता है वो आपका यूजर नेम होता है, और प्लस उसका नेम होता है जो कि आपको ईमेल सेंड करने की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे मेरा नाम है पंकज चौधरी @gmail.com। तो जो मेरा यहाँ पे हो गया पंकज चौधरी, ये हो गया यूजर नेम, और जो आपका @ के बाद में जो जीमेल है वो हो गया, ये आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उस मेल को सेंड करने के लिए। अब सपोज कीजिए आपके पास मोबाइल है, दो सिम है, ठीक है, और दो ही मोबाइल है, एक मोबाइल ये है एक मोबाइल ये है, दोनों में ही सिम डली हुई है। तो जो आपकी ये सिम डली हुई है, ये आप इसको समझ सकते हो ये क्या है, ईमेल है। आपको क्या करना है, इनका यूज करते हुए कोई भी मैसेज ट्रांसफर करना है अपना, कोई भी बात बोलनी है अपनी। लेकिन कैसे, वो जो आपका जो सिम है ना, किस कंपनी का है, एयरटेल का है, वोडाफोन का है, आइडिया का है, जियो का है, किस कंपनी का है? तो किसी ना किसी कंपनी का आप सिम यूज करते हो, वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है कम्युनिकेशन कराने के लिए। इसी तरह से जो जीमेल है वो आपको सर्विस प्रोवाइड करती है ईमेल को सेंड करने के लिए। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है कि ईमेल क्या होता है, जीमेल क्या होता है, ये सब आपको पता चल गया, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली टाइम से मिलते रहे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।